अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अलैहि बरकातहू। मैं हूँ अली, आप देख रहे हो आस्थानी ओलिया। आज हमारे आस्थानी हजरत बाबा जान जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में। यदि आप अल्लाह अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दरगाह रही, ये आप देखिए, दरगाह बाबा जान जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह है। अब हम अंदर चलते हैं। माशाल्लाह, आप देखिए छोटा सा गार्डन है यहाँ पे। ये धुना है, ये वजू खाने की है। ये टंकी लगी हुई यहाँ पे, आप वजू कर सकते हो। ये देखिए चदरा, अगर कोई जारिन वगैरह आए तो यहाँ पे रुक सकता है। और ये देखिए, ये यहाँ का अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे अगर किसी के भी मन्नत से बच्चे होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे तोलते हैं। और यहाँ पे इनके नाम की नियाज वगैरह भी की जाती है। आप देखें ना, मन्नत के धागे वगैरह बांध रखे हैं यहाँ पे। और यह है, ये तराजू, जिसमें बच्चों, अगर मन्नत के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे तोलते हैं, मन्नत से तोलते हैं। उन बच्चों को गुड़, खोपरे, बादाम वगैरह उनसे तोलते हैं, जैसे तोलते हैं वो उनके बराबर का वजन होता है इनका। ये यहाँ के खादिम हैं, इनसे हम जानेंगे इनके सिलसिले कारामात के बारे में, इनके उरूस मुबारक के बारे में। ये अब अंदर चलते हैं। बाबा जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। और ये दरगाह शरीफ, तकिया शरीफ नंदराय में है। ये सरकार है, औरतों का वहाँ से आना जाना जाए, फिर बाद में बताएंगे। दोनों का नाम पता, ये भी जानी मन जन्नत बाबा की सरकार से। ये दोनों को बाबा जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही जाना जाता है। ये आप देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर इनका, यहाँ पे ऊपर के जो गुंबद का तामीरी काम और बाहर बाउंड्री का, इस यहाँ का तामीर काम के लिए अगर आप इमदाद करना चाहते हो तो इंशाल्लाह एक बार यहाँ पे जरूर नंदराय विजिट करो और अपने अपने यहाँ से इमदाद करना इंशाल्लाह। आप देखिए, ये देखिए चदरे में है। यहाँ के गुम्मत के लिए, तामीरी काम के लिए इंशाल्लाह एक कोशिश कर रहे हैं। अभी तो यह चदरे वगैरह है। यदि आप इमदाद करना चाहो तो इंशाल्लाह इमदाद ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ के तामरी काम, उरूस मुबारक में कीचड़ वगैरह रहता है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैंने आपको फ़ातिहा का तरीका बताया था। 7 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम, और 1 मरतबा सूरत काफिरून, 3 मरतबा सूरत इखलास, 1 मरतबा सूरत नास, 1 मरतबा सूरत फलक, और 1 मरतबा सूरत फातिहा, 1 मरतबा सूरत अलबकरा, और 7 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ कर। और सबसे पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब पेश करें। उसके बाद आप चारों खलीफाएँ, और उसके बाद आप आदम अलैहि सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी नबी आए उनकी बारगाह में, उसके बाद तमाम सहाबाएँ कराम, तमाम जो करबला में शहीद उनकी बारगाह में इसका सवाब पेश करें। और आप उसके बाद गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम मौलिया करीम की बारगाह में इसका सवाब पेश करें। जब आप जहाँ पर विजिट करते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, इनकी बारगाह में खुशी तौर पर सवाब पहुँचाया करो। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मन्नतें होगी, वो पूरी होगी। और आप फिर फातिहा में अपने लिए मन्नत और दुआ कर सकते हो, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। ये ले लो, ये ये चांद रात और जमेरात के दिन 5 जगह पर चिराग रोशन किया जाता है। और बाकी ये 24 हमेशा चलता है, रोशन किया जाता है। हाँ बोलो। हाँ, मेरा नाम तो शब्बीर मोहम्मद वल अहमद शाही, नंदराय निवासी हैं। हम यहाँ के खादिम हैं। उस मुबारक मुहर्रम की 17 तारीख को रात को, शाम को यहाँ प्रोग्राम रहता है, और 18 को दिन में चादर चढ़ती है 4 बजे।
कवाली होती है 17 को मिला यहीं पे होती है, पहले गांव में होती थी, अब यहीं करने लगे। और कितने साल पुरानी है ये? तो 500 साल पुराने, हमारे बाप दादा ही ऐसे ही देख रहे हैं, हम भी ऐसे ही देखते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा ने पूछा, हमारे वली दादा ने पूछा, तो हम भी ऐसे ही देखते आ रहे हैं। 500 साल पुराना है ये कारोबार। और करामात पे कुछ बताएगा? करामात तो बहुत है यहाँ, जैसे तहसीलदार वीडियो ये पहले यहाँ गिरदावरी करने आए थे, उस टाइम में एक आम का पेड़ था, बिल्कुल सूखा था, तो घर जाकर के कह रहे थे लकड़ी लाओ लकड़ी लाओ, तो लकड़ी कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं, जो गिरदावर ने बोला यार वो उस जगह वो डोकरे के यहाँ ये आम का पेड़ लगा हुआ नहीं यार सूखा, उसको तोड़ के ले आओ। तो यहाँ आए तोड़ने के लिए, तो यहाँ तो आम लग रहे थे, नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो उन्होंने जाकर के गांव बड़े को जाकर के उन्होंने कहा कि यार साहब उठे तो आम ला गया, करामत होगी, उठे तो करामत, एक बादशाह बैठा था क्या उठे तो है, झूठ बोलते हो तुम जो है, चलो के देख। उसी टाइम फिर गिरदावर राजा महाराजा के टाइम में जो भी वो उनके काम करने वाले थे यहाँ आए थे, और फिर देख के करामात, तो उन्होंने बोला बोलो आपको क्या चाहिए, तो मेरा ये घोड़ा जितने जमीन में घूमे जितनी जमीन चाहिए यहाँ। तो उस टाइम में 501 बीघा जमीन यहाँ कर दी थी, लेकिन बाद में क्या कि लगान चालू हो गया, तो अब लगान कहाँ से जमा करा, उस टाइम पब्लिक तो इतनी थी नहीं, पैसा था नहीं, लगान का इतना जबरदस्त जोर चलता था कि बहुत जबरदस्ती करते थे। तो फिर धीरे 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 हमारे इस बादशाह के नाम की है 8-10 बीघा जमीन, इनकम यहाँ मतलब कुछ नहीं है। मेरी काम है घुम्मत बनाने, अब भी हम चाहते हैं, लेकिन अब घुम्मत का पैसा हमारे पास है नहीं, उर्स आते हैं बारिश के मौसम में आते हैं, अभी 17-1 महीना ही रह गया है, तो आएगा उर्स तब चो के अंदर बिल्कुल कादा की चोरता है, फर्सी है नहीं, अब क्या करें, और बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, बाउंड्री भी नहीं है, बहुत मतलब करामात है, अच्छे अच्छे यहाँ से आते हैं जाते हैं, बहुत मतलब मुजावरा यहाँ पे आते हैं। ये आप देखे ये चदरे का बना हुआ यहाँ पे गुम्बज बनाने के चल रहा है, मैं लेकिन इनके इनकम का कोई जरिया नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप पूरा साइड में पड़ता है, अगर आप इंशाल्लाह अगर आप इमदाद करना चाहते हो अल्लाह अलग वैल्यू में, अगर आप खर्च करना चाहोगे तो आपको अल्लाह ताला एक के बजाय आपको 70 अता करेगा, और इंशाल्लाह जो अल्लाह के वली है ये भी आपको इतना कुछ अता कर देंगे जितना आप संभाल नहीं पाओगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर विजिट करना हो यहाँ पे नंदराय में, और इंशाल्लाह यहाँ पे अगर इमदाद ज़रूर कीजिएगा, और हम आपको बताते हैं कहाँ पे इमदाद और वगैरह काम चालू करना है। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर विजिट करना यहाँ पे सरकार के बारगाह में, अपने लिए जो भी मन्नत पूरी हो, तो इंशाल्लाह अपने जो भी आपसे बन सके इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद की करें। कहते हैं ना निगाह वली में वो तासीर देखिए बदलती लाखों की तकदीर देखिए, इंशाल्लाह आपकी यहाँ से आने के बाद आपकी तकदीर ज़रूर बदलेगी। ये करामती बावड़ी, अगर किसी को किसी बच्चे को शर की बीमारी खुसरा वगैरह ऐसी होती है, तो इससे मतलब इससे भी इस पानी से नहाने से बीमारी जाती है, यहाँ से बहुत से बोतलें भर भर के ले जाते हैं, बहुत करामती बावड़ी, ये मोटर लगी हुई है, और उसके अंदर भी हम ना तो बुक घुमाते हैं ना कुछ करते हैं, कम से कम 1000-1500 आदमी को यहाँ खाना बनता है, वो भी हम गाँव वाले हम सब इकट्ठा करके ही करते हैं, बाहर से भी कोई आ जाता दे जाता, लेकिन कभी बुक नहीं घुमाई, कभी चंदा नहीं करते हैं। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर विजिट करना, मैं आपको बताता हूँ। उर्स मुबारक चलता है तो यहाँ पे बारिश के मौसम होता है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे फर्सी की ज़रूरत है, और यहाँ और इसके चारों में बावंडी वगैरह की ज़रूरत है, ताकि बाहर से आने वाले जानवर वगैरह अंदर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इमदाद करें, और अपने जो भी है अगर आप नंदराय विजिट करते हो तो इंशाल्लाह एक बार जहाँ यहाँ पर विजिट ज़रूर करें, और अपने जो भी आपसे बन सके ज़रूर इमदाद किए। यदि आप अल्लाह वाला के वलियों से मोहब्बत करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।